डियर स्टूडेंट्स, आइए एक नेम रिएक्शन के बारे में स्टडी करते हैं जिसका नाम है ओल्फ किस्नर रिडक्शन। ये आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और खास करके सीबीएसई वाले बच्चों के लिए जो कि इस बार एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो इसे आप ध्यान से समझेंगे और काफी ईजी तरीके से याद कराने का कोशिश मैंने इसमें किया है। सबसे पहले ओल्फ किस्नर रिडक्शन में आपको याद क्या रखना है कि इसमें जो रिएक्टेंट होगा या तो अल्डिहाइड होगा या तो कीटोन्स होगा। सबसे पहले क्या याद रखना है कि इसमें जो रिएक्टेंट होगा वो होगा अल्डिहाइड या कीटोन। प्रोडक्ट जो फॉर्म होगा वो प्रोडक्ट कौन सा होगा, वो प्रोडक्ट होगा अल्केन। इन दो बातों को आपको हमेशा ध्यान रखना होगा। जब कभी भी आपके दिमाग में आ जाए ओल्फ किस्नर रिडक्शन तो आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि इसमें रिएक्टेंट जो होगा वो होगा अल्डिहाइड और कीटोन जिसमें कार्बोनिल ग्रुप है, स्पेशली कौन अल्डिहाइड एंड कीटोन्स। कार्बोजैलिक एसिड में भी है लेकिन वो नहीं, केवल अल्डिहाइड एंड कीटोन इसमें क्या होगा, रिएक्टेंट होगा यानी सबस्ट्रेट का काम करेगा। सबस्ट्रेट वही होता है जो कार्बन को क्या करे, सप्लाई करे, और प्रोडक्ट जो फॉर्म होगा वो होगा कौन सा, अल्केन। यहां ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जो रिएक्टेंट में जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे प्रोडक्ट यानी अल्केन में भी कार्बन एटम्स की संख्या उतना ही रह जाएगी। ठीक है, अब समझना होगा आपको कि ओल्फ किस्नर रिडक्शन कोई भी नेम रिएक्शन होता है वो अपने पार्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए जाना जाता है। ये वैसे अल्डिहाइड या कीटोन्स के लिए ये रिएक्शन कराया जाता है जो सेंसिटिव होते हैं किस चीज के लिए, एसिड के लिए। तो चलिए अब देखते हैं। आपको जैसा कि पता है कि लेफ्ट हैंड साइड में जो रिएक्शन को लिखा जाता है वो होता है आपका रिएक्टेंट और राइट हैंड साइड में जो लिखा जाता है वो होता है कौन, प्रोडक्ट। लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ हमने लिखा है एल्डिहाइड एंड कीटोन्स यानी ये सबस्ट्रेट का काम करेगा। इसके ऊपर हम रिएजेंट डालेंगे, रिएजेंट भी एक तरीके का क्या होता है, रिएक्टेंट होता है। तो आपने यहाँ क्या देखा, अब आपको समझना होगा बहुत सारे बच्चे एल्डिहाइड भी नहीं पहचान पाते होंगे तो उनके लिए ये लिख दिए हैं कि एल्डिहाइड होता है कौन सा, CHO ग्रुप जिसको हम क्या बोलते हैं, अल्डिहाइड, जो कि यहाँ हमने मेंशन किया है। और कभी कभी क्या होता है उन लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि कंडेंस्ड फॉर्म में लिखा रहता है तो वो नहीं पहचान पाते कि अल्डिहाइड है कि कीटोन्स है। तो ये इसका कंडेंस्ड फॉर्म है, ये इसका लिंकेज ग्रुप है जहां से ये लिंक करता है किसी अल्काइल ग्रुप के साथ या एराइल ग्रुप के साथ। ठीक है, और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में यहाँ क्या होता है, डबल बॉन्ड, और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड, यही होता है आपका अल्डिहाइड। कीटोन क्या होगा, केवल कार्बोनिल ग्रुप हो और दोनों तरफ से अल्काइल ग्रुप हो सकता है, या हो सकता है एक तरफ एराइल ग्रुप हो दूसरी तरफ अल्काइल, ये भी पॉसिबिलिटीज है कि दोनों तरफ से क्या हो, एराइल ग्रुप इससे एडेड हो, तो इसे हम क्या कहेंगे, कीटोन। तो यानी कंडेंस्ड फॉर्म में हम कीटोन को हम ऐसे लिखते हैं CO के फॉर्म में। तो ओल्फ किस्नर रिडक्शन में आपको रिमेंबर करके याद ये करके क्या रखना है कि इसमें रिएक्टेंट होता है एल्डिहाइड और कीटोन्स, प्रोडक्ट्स होगा अल्केन। अब इस पे जो हम रिएजेंट पुट करते हैं वो कौन सा होता है, तो चलिए हम देख लेते हैं। इस पे देखिए, इस पे जो हम रिएजेंट को जो पुट करते हैं वो रिएजेंट होता है आपका कौन सा, हाइड्राजिन। हाइड्राजिन को रिमेंबर करना आसान है, NH2 को हम क्या कहते हैं, हाइड्राजिन बोलते हैं। जो हम इसमें सॉल्वेंट यूज करेंगे, सॉल्वेंट होगा पोटासियम हाइड्रोक्साइड। जैसा कि आपको पता है कि ओल्फ किस्नर रिडक्शन सेंसिटिव टू एसिड होता है इसलिए इसमें सॉल्वेंट के रूप में क्या लिया जाता है, बेस लिया जाता है यानी पोटासियम हाइड्रोक्साइड। इसके साथ और आप क्या लेते हैं, इथाइलीन ग्लाइकोल, क्योंकि इथाइलीन ग्लाइकोल का एक प्रॉपर्टीज होता है कि ये हाई बॉइलिंग क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। और टेम्परेचर जो हम लेंगे वो कितना, 473 केल्विन, और 473 केल्विन आपको नहीं याद रहा तो 200 डिग्री सेंटीग्रेड, 200 डिग्री सेंटीग्रेड, इसमें दो आदमी का नाम है तो 200 डिग्री सेंटीग्रेड, ओल्फ भी और किस्नर भी। तो आप ऐसे कर करके रिमेंबर करके याद रख सकते हैं कि दो आदमी का नाम है ओल्फ किस्नर, तो टेम्परेचर भी कितना होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड ओल्फ का, 100 डिग्री सेंटीग्रेड किसका, किस्नर का। ये निमोनिक सब बता रहे हैं याद रखने के लिए, जब टेम्परेचर आपको याद न रहे तो यानी 200 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर को ये क्या करेगा, मेंटेन करेगा। तो ये हो गया हमारे पास कौन सा, कि कौन सी मुख्य बातों को हमें याद करके रखना है ओल्फ किस्नर रिडक्शन में। क्या याद रखना है कि सबसे पहले इसमें ध्यान में रखना होगा कि सबस्ट्रेट होगा जो कि कार्बन सप्लाई करता है अल्डिहाइड एंड कीटोन्स, प्रोडक्ट होगा कौन सा, अल्केन।
इसमें रीएजेंट जो यूज होता है हाइड्रोजन NH2, जो सॉल्वेंट यूज होगा पोटासियम हाइड्रोक्साइड बेस एंड इथाइलिन ग्लाइकोल, क्योंकि ये हाई बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट है। और टेम्परेचर जो हम इसमें लेंगे वो होगा कितना, 200 डिग्री सेंटीग्रेड। ओल्फ किस्टनर रिडक्शन जब कभी भी आपके दिमाग में आए इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। अब सारी बातें आसान हो जाएगी इतनी बातों को याद रखने के बाद। देखिए कैसे ओल्फ किस्टनर रिडक्शन आपको एग्जाम में आएगा तो ये लिखिएगा। वो सब था बात क्या, किस चीज के लिए, याद रखने के लिए था, ठीक ना। ओल्फ किस्टनर रिडक्शन देखिए, ये हमने लिया है एल्डिहाइड, ये क्या लिया है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड पर डाले हैं हम हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हाइड्रोजन के बारे में तो मैंने बताया आपको कि आप NH2 लिखिए। आप इसमें एक्चुअली नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड होता है, तो आप NH2 ये लिखना आप ज्यादा प्रीफर करेंगे, याद रखने के लिए लोग इसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये है हाइड्रोजन, दोनों सेम है, आप मिला करके देख लीजिए, ज्यादा कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है। तो हाइड्रोजन का जो H2 है नाइट्रोजन से जो लिंक्ड, वो एल्डिहाइड के कार्बोनिल ग्रुप के कार्बोनिल ऑक्सीजन से, सबका एक पार्टिकुलर नाम होता है तो इसको बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप, और ये जो कार्बन एटम है इसको बोलते हैं कार्बोनिल कार्बन एटम, और जो ये ऑक्सीजन है इसको बोलते हैं कार्बोनिल ऑक्सीजन। और कार्बोनिल ऑक्सीजन और H2 मिलकर के क्या बना लेगा, यहाँ H2O बना देगा और ये हट जाएगा। अब रह गया क्या, इस कार्बन के जो डबल बॉन्ड है और ये नाइट्रोजन के डबल बॉन्ड के साथ यहाँ क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। देखिए यहाँ जुड़ गया, बाकी सब रेस्ट पार्ट यहाँ रिमेंस क्या हो गया है, ऐड हो गया है। यहाँ से डबल बॉन्ड और ये वाला पार्ट यहाँ क्या होता हुआ आपको दिख रहा है, जुड़ता हुआ दिख रहा है NH2। देखिए जब कभी भी कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड हो जाए तब ऐसे ग्रुप ऑफ कंपाउंड को हम बोलते हैं हाइड्रोजोन। अब हाइड्रोजोन पे जब सेकंड में आपको पता है कि इसमें सॉल्वेंट हम कौन सा लेते थे, ये तो हो गया आपके पास रिएजेंट, और इसमें हम सॉल्वेंट कौन सा लेते हैं, पोटासियम हाइड्रोक्साइड एंड ग्लाइकोल, और कितने टेम्परेचर पे, 473 केल्विन पे या 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तब क्या होगा कि इसका दोनों नाइट्रोजन बाहर निकल जाएगा। देखिए दोनों का दोनों नाइट्रोजन बाहर निकल जाएगा, यानी N2 के फॉर्म में ये बाहर आ गया। अब रह गया ये कार्बन और दो हाइड्रोजन, तो दो हाइड्रोजन, तो ये जो यहाँ डबल बॉन्ड है, एक बॉन्ड से जुड़ जाएगा कौन, एक बॉन्ड से जुड़ जाएगा एक हाइड्रोजन, दो बॉन्ड से दूसरा बॉन्ड से कौन जुड़ जाएगा, दूसरा हाइड्रोजन। तो देखिए कि क्या ये R एंड R अल्काइल ग्रुप सेम है, ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सेम है, और ये दोनों डबल बॉन्ड वाले से एक 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 हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, यानी कितना हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन आकर के इससे क्या हो गया है, ऐड कर गया है, किसके साथ, कार्बोनिल कार्बन के साथ। अब ये कहलाएगा अल्केन। अल्केन कैसे कहलाएगा, आप यहां देख लीजिए कि अल्केन कैसे कहलाएगा, इसका फॉर्मेट को ही हम चेंज कर देखिए, अल्काइल ग्रुप है तो इसको लिख देते हैं R, ये हो जाएगा CH2 और प्लस एक हाइड्रोजन और, तो ये कहा क्या हो जाएगा CH3, तो ये क्या कहलाएगा आपको, ये हो गया आपके पास क्या, अल्केन। तो आपने क्या समझा कि ओल्फ किस्टनर रिडक्शन में जो सबस्ट्रेट होता है वो सबस्ट्रेट होता है आपका एल्डिहाइड या कीटोन्स। अभी एल्डिहाइड का हमने एग्जाम्पल लिया है, इस पे फर्स्ट टाइम हम डालते हैं क्या, फर्स्ट टाइम डालते हैं हाइड्रोजन, देन हम सेकेंड टाइम में इसको सॉल्वेंट में डालते हैं वो पोटासियम हाइड्रोक्साइड एंड ग्लाइकोल, टेम्परेचर कितना देते हैं 200 डिग्री सेंटीग्रेड या 473 केल्विन, तो अल्केन का फॉर्मेशन होगा। इसी रिएक्शन को शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए कि कैसे लिख सकते हैं, ये पहचानिए कि क्या है, ये अल्काइल ग्रुप के जगह पर CH3 है और ये कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया और ये हाइड्रोजन है, यानी एल्डिहाइड है। टोटल कितने कार्बन एटम का है, 2 कार्बन एटम का, तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा एसिटल्डिहाइड। 2 कार्बन एटम के एल्डिहाइड को हम एसिटल्डिहाइड बोलते हैं, और ऐसे इसका आईपेक नेम क्या होगा, ऐसे इसका आईपेक नेम हो जाएगा, 2 कार्बन एटम है तो इथ, दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो आप एन लिखिएगा, ये प्राइमरी सफिक्स हो गया बट रूट के बाद, और फिर एल्डिहाइड है तो क्या लिख दीजिएगा AL, यानी इथेनल इसका क्या हो गया, आईपेक नेम, IUPAC नेम इसका हो गया इथेनल। फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या डाल रहे थे, आपको याद हो गया होगा कि हाइड्रोजन, और सेकंड स्टेप में हम पुट कर रहे थे क्या, पोटासियम हाइड्रोक्साइड ग्लाइकोल के साथ, टेम्परेचर 473 केल्विन। तो होता अल्टीमेट रिजल्ट होता क्या है कि जो कार्बोनिल ग्रुप है CO, ये कन्वर्ट कर जाएगा किस चीज में, CH2 में। आपको वोल्फ किस्टनर रिडक्शन में रिमेंबर करके क्या रखना है कि जो कार्बोनिल ग्रुप है वो कन्वर्ट कर जा रहा है किस चीज में, CH2 में,
और इसका जो दोनों नाइट्रोजन है ये निकल जाएगा, और फर्स्ट टाइम में आपको निकलता था कौन, H2O। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम बाई प्रोडक्ट पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, तो आपको जनरल याद रखना होगा, तो लिख दीजिएगा RCHO यदि होगा, या ऐसे H एल्डिहाइड हो गया। फर्स्ट स्टेप में आपको डालना है क्या, NH2, यानी हाइड्राजीन। सेकंड में आपको डालना है पोटासियम हाइड्रोक्साइड, किसके साथ, ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ, या सिंपली आप लिख दीजिएगा क्या, ग्लाइकोल भी लिख दीजिएगा, कोई भारी बात नहीं है, 473 केल्विन पे। तो ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ये CH2 हो जाएगा, RCH2, और H ऐसे कुछ लिखेंगे भी आप तो इसे आप ऐसे लिख लीजिएगा RCH3। हो गया क्या ये अल्केन, ये क्या है अल्केन। ओल्फ किस्टन रिडक्शन काफी ही आसान है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब आपके पास यहाँ दो रिएक्शन है, इन दोनों को आप लिख सकते हैं। देखिए फर्स्ट स्टेप में डाला ये है एसीटोन, कीटोन है बीच में, देखिए कार्बोनिल ग्रुप है, और दोनों तरफ से यदि अल्काइल ग्रुप हो, दोनों तरफ से यदि अल्काइल ग्रुप हो कार्बोनिल कार्बन एटम का, तो इसको हम क्या कहते हैं, कीटोन बोलते हैं। तो ये कीटोन है, इसके पहले आप क्या देख रहे थे, अल्डिहाइड। फर्स्ट स्टेप में डाले हैं क्या, देखिए वन और टू लिखने का मतलब है कि फर्स्ट बार ये रिएक्शन हो जाए, तब उसके बाद इसके प्रोडक्ट पे हमको क्या डालना है, पोटासियम हाइड्रोक्साइड और ग्लाइकोल डालना है और टेम्परेचर देना है। वन एंड टू लिखने का मतलब यही होता है कि फर्स्ट बार जो रिएक्शन हो गया उसके बाद सेकेंड रिएक्शन को प्रोसीड करवाना है। तो देखिए क्या होगा कि जैसे ही ये इसको देखते आप पहचान जाइएगा कि ये सब यूज होता है किस चीज में, ओल्फ किस्नर रिडक्शन में। और ओल्फ किस्नर रिडक्शन में जो कार्बोनिल ग्रुप है वो कन्वर्ट कर जाता है किस चीज में, CH2 में। तो इसको एज इट इज लिख दीजिए, ऊपर लिखा हुआ है CH3 लिख दीजिए, ये आपको कन्वर्ट कर जाएगा CH2 में, और नीचे हो गया CH3। आप देखिए क्या है, सभी कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसलिए ये अल्केन होगा, और तीन कार्बन एटम के अल्केन को हम क्या कहते हैं, प्रोपेन बोलते हैं, मिथित प्रोपेन। ठीक है, अब आप ये जो है आप ये है, आप यहाँ फर्स्ट स्टेप में क्या लिखिएगा, हाइड्रोजन, सेकंड में लिखिएगा पोटासियम हाइड्रोक्साइड एंड ग्लाइकोल 473 केल्विन। ये जो सीओ है इसके जगह पर केवल आप CH2 पुट करेंगे, और यहाँ क्या है, ये एसिटोफिनोन है, ये कॉमन नेम है, ये एरोमेटिक अल्डी है, ये एरोमेटिक कीटोन है, इसको हम बोलते हैं एसिटोफिनोन। आप प्रोडक्ट प्रोडक्ट लिखना आपका काम, इसको एसिटोफिनोन जरा हम समझा लें, ये एसिटोफिनोन क्या होगा, देखिए C6H5 जो है आप इसको ऐसे तो लिख सकते हैं ना, C6H5, और इससे हम एक हाइड्रोजन को निकाल लेंगे, हाइड्रोजन को निकाल लेंगे तभी C6H5 होगा, नहीं तो बेंजीन हो जाएगा। ठीक है, इससे कार्बोनिल ग्रुप ऐड कर दीजिए, और इस तरफ से एक CH3, इसका कॉमन नेम हो जाएगा एसीटोफिनोन। आप पहचान गए होंगे कि एसीटोफिनोन क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाइए, इसको आप खुद सॉल्व करिएगा, और अंत भला तो सब भला। आप ये सबसे पहले बताए थे कि दिस रिएक्शन यूज्ड व्हेन द कार्बोनिल कंपाउंड आर सेंसिटिव टू एसिड। यदि आपको मेरा वीडियो देखना अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर करें, दोस्तों को भी बताएं, और इसी तरीके से हमारे वीडियो को देखते रहें, और हम तरह तरह से आपको अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को आपको हम समझाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।